أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وملي بيري चलिए आज हम अपना सबक़ शुरू करते हैं और आज हमने आया नंबर वन फिफ़्टी थ्री करनी है सुर इमरान की आउदबिल्ल नशीतर बसमी रबिशर अली सदरी वसिल अमरी वाह मिल्लिससानी यफ़ा कऊली रबा न आजिद ना आमीन आहदुबिल्लिशन ए जब तुस् तुम चढ़े जा रहे थे सौद आयन दाल से है ऊपर की तरफ चढ़ना तेज़ी से चढ़ना तो जबले उहद की तरफ चढ़ रहे थे और वला तलबू ना और नहीं तुम मुड़ कर देखते थे लाम वाओ या से है खम देना मोड़ना गर्दन मोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है और नहीं तुम मुड़ कर देखते थे आला आहदिन किसी एक के ऊपर वर रसूलू इस हाल में कि रसूल अलैहि वसल्लम ये वो पुकार रहे थे तुमको बुला रहे थे तुमको दाल आइन वाऊ से है फी ओ तुम्हारे पीछे से यानी वो मैदानी जंग में मौजूद थे और आप भाग रहे थे तो पीछे से रसूल तुम्हें आवाजें दे रहे थे फा तो उसने दिया तुमको सा से है साउब का मतलब क्या है लौटना अच्छा साउब असल में किसको कहते हैं कपड़े को कहते हैं आप, है? आप कपड़े को क्या करते हैं धोते हैं इस्त्री करते हैं पहनते हैं फिर गंदा हो जाता है फिर धोते हैं फिर तो क्या लौट लौट के आपकी तरफ आता है ना तो इसी तरह जो सवाब भी होता है ना किसी अमल का बदला वो भी पलट के बंदे की तरफ आता है तो उसने दिया तुमको क्या गम मन अल्लाह सुबहाना ने दिया गम मन ईन मीम मीम से है गम दिया बेमिन Uh, सात गम के एक गम के ऊपर दूसरा गम दूसरे के ऊपर तीसरा गम क्यों लिकला ला ताकि ताकि ला तहसनु ना तुम गम करो ना तुम हुज़न करो आला ऊपर माँ उसके जो फ़ा तकुम फ़ौत हो गया फ़ा वौता से है यानी तुम्हारे हाथ से चला गया वाला और ना माँ जो असाबकुम पहुँचा तुमको स्वाद व से है ठीक है वल्लाहु अल्लाह तबीरुन जानने वाला है ख़बर रखने वाला है भी माँ सात उसके जो ताम तुम अमल करते हो अब ये सारा जंगद का सीन चल रहा है एंड आई वॉन्ट यू टू पिक्चर दैट आप उस जगह पर जा मौजूद हूँ इमेजन करें अपने आप को कि मैं उस जगह पर मौजूद हूँ भगदड़ मच गई है पीछे से हमला हो गया है मुसलमान तितर बितर हो गए हैं मुसलमानों की फतः शिकस्त में बदल गई है वो मारे जा रहे हैं और लोगों में भगदड़ ऐसी मची है कि वो उल्टी साइड पर भाग रहे हैं मैदान जंग में जंग करने के बजाय दूसरी जगहों की तरफ़ भाग रहे हैं उस वक्त रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग नहीं छोड़ा हालांकि आपको पहले बता चुकी हूँ ना कि रसुल्लु वसम के जो सर के जो हेलमेट था उसका कुंडा जो था वो रसोल वसम की गाल के अंदर चला गया था रसोसम के दान शहीद हुए थे उनका खून इतना ज्यादा निकल रहा था कि उसके ऊपर टाट को जला के रखा था तब भी खून बहता रहा था तो रसोलम जख्मी थे लेकिन मैदान जंग से भागे नहीं ये बात हमने बहुत ज़रूरी याद रखनी है क्यों क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसे होता है कि बंदा कहता है कि रसुल इस वक्त कहाँ थे जब लोगों के साथ ये हो रहा था वहीं पर मौजूद थे बदर में भी खंदक में भी ओहत में भी तबूक में भी आप हर जगह पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्रंट लाइंस पे देखेंगे ऐसा नहीं होता कि जैसे बादशाह अपने टेंट में बैठ जाते हैं और उनके सारे पहरेदार होते हैं और जंग सिपाही लड़ रहे होते हैं अलैहि वसल्लम काम के वक्त में अपने सहाबा के साथ काम करते थे और जंग में के वक्त में साहबा के साथ मिलकर जंग कर किया करते थे बहादुर थे तो अल्लाह सुबहान ये बता रहे हैं कि उस वक्त में क्या हुआ कि जब भगदड़ मची तो ऐ मुसलमानों तुम सब ओहद के पहाड़ की तरफ यानी वो उस तरफ भाग रहे थे जहाँ अपनी जान बचाने के लिए और तुम में से कोई भी मुड़ कर नहीं देख रहा था जबकि रसुल्ला सल्ला वसलम तुमको पीछे से आवाज़ें दे रहे थे तो फिर गम के ऊपर गम तुम्हें पहुँचा अब ये गम का पहुंचना भी जो है ना वो इंसान को बहुत सारे सबक सिखा देता है एक गम क्या था रसुल्लम की जख्मी होने का गम उनकी शहादत का ख़बर सुनने का जो धचका पहुंचा था उसका गम फतह का शिकस्त में बदलने का गम मुसलमानों के शहीद होने का गम और भागने का गम वो गिल्ट ये सब चीज़ें गम के ऊपर गम पहुंचा तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़ पहुंची ताकि पता चल जाए तकदीर के ऊपर इंसान का जोर नहीं चलता ये उसको पता चल जाए कि आपको उस चीज़ का होज़न ही ना लगे यानी वो कहते हैं ना शेयर क्या है मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई कि फिर दुनिया की तवक्को या लोगों के आने और जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर आपकी नज़र अल्लाह सुबहना तैयार के ऊपर और आख़रत के ऊपर जमी हुई है तो दुनिया के नुकसान फिर इंसान को उस तरह बॉदर नहीं करते जिस तरह के इंसान दुनिया की चीज़ों के साथ अपनी अफिलिएशन कर लेता है उनको अपनी जान बना लेते हैं जैसे औरतें कहती हैं ना अपने कपड़ों को मेरी जान जूते मेरी जान ये घर मेरी जान ये बर्तन मेरी जान अस्तर बहुत ही ये कमतर अपनी जान की कीमत लगाई है अपनी कितनी थोड़ी थोड़ी कीमत की चीज़ों को अपनी जान कहते हैं जान किसी में भी नहीं है असल में तो अल्लाह के हुक्मों के को मानने में हमारी जान होनी चाहिए अल्लाह को राज़ी करने में हमारी जान होनी चाहिए अब आप देखें कि ये गम पैम उनको क्यों मिले थे असल में तो सुन्नत से रू की वजह से और माल गनीमत की मोहब्बत की वजह से जो फतः शिकस्त में बदली थी ठीक है ना तो जो मैंने आपको बताई कि ग़म के ऊपर गम मिले तो कसरत से जब कोई चीज़ होती है ना तो उसका असर भी चला जाता है यानी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इंसान के ऊपर पड़ती है तो फिर उसका असर चला चला जाता है एक बंदा जिसकी ज़िंदगी में गम आते रहे हो आते रहे हो वो नए गम के आने पर परेशान नहीं होता मगर जिसको कोई गम ही ना पहुँचाओ उसको छोटी सी चीज़ भी शौक़ में डाल देती है और अल्लाह ताला ने इन लोगों को चुन लिया था तो फिर उनके ऊपर ऐसी मुसीबतें आई कि अब वो इन मुसीबतों से कुछ सीखेंगे और इससे कहीं ज़्यादा मज़बूत होकर इस मुश्किल में से निकलेंगे जैसे आप रसुल्लु सल वम की ज़िंदगी को शुरू से देख लें ना अपने वालिद को रसूल वसम देखा नहीं माँ बहुत जल्दी फौत हो गई फिर दादा भी चले गए फिर नबूत के ऐलान के बाद क्या क्या मुश्किलें परेशानियाँ मुसीबतें देखी और फिर उसके बाद खदीजा रदी अल्लाह तहा भी फौत हो गई अबू वालिब भी फौत हो गए अब ये सारी चीज़ें मोहब्बतें बंदा कह सकता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मोहब्बत वाला बंदा आता है वो मुझसे छिन जाता है हमारे जैसा बंदा हो तो यही अल्लाह ताला से शिकवा करे लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि उनका पूरे का पूरा तवक्कुल अल्लाह सुबहाना तआला के ऊपर हो गया और अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत बड़े काम के लिए तैयार करना था जिसमें ये चीज बहुत कार थी कि बंदों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना बंदों के साथ अपनी खुशी और गम को नहीं जोड़ना क्योंकि अगर बंदा इस दुनिया से चला जाए अपनी तकदीर की वजह से की, मौत का वक्त आ जाए तो फिर उसी गम में इंसान अगर डूब जाए कि मुझे वही बंदा वापस चाहिए जब तक वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगा तब तक तो मैं आगे जिंदगी चलाऊंगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता था ना तो अल्लाह सुबहन तला ने बचपन से अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग ऐसी की थी गम के ऊपर गम के ऊपर गम ताकि वो एक बहुत बड़े काम के लिए तैयार हो जाएं और ये दुनिया की जो शिकस्त है या दुनिया के जो गम हैं वो इंसान को तोड़े ना और वो अपना काम छोड़ के ना बैठ जाए बल्कि उन गमों को सह कर अपनी तकदीर का हिस्सा मान कर इंसान आगे को देखे और क़यामत की तैयारी करे ठीक है ना मेरी प्यारी बहनों आपने देखा होगा कि जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलें परेशानियाँ या टेस्ट कम होते हैं वो छोटी सी मुसीबत और परेशानी को भी बहुत बड़ा समझते हैं यानी जिसको कभी चोट ही ना लगी हो उसको हल्का सा छुरी का काट ही लग जाए तो वो सारा दिन उस उंगली को पकड़ के बैठा रहेगा कि मैं तो कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो उंगली कट गई है लेकिन जिसको पता हो कि रोज़ कोई ना कोई चोट लगती रहती है तो मेरे काम तो नहीं रुकने वाले इस चोट की वजह से मैंने आगे ज़िंदगी में चलना है इसी लिए ये एक ज़िंदगी का सबक था जो अल्लाह सुबहाना तारा ने मुसलमानों को सिखाया जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का मशहूर हो गया हालाँकि रसूल अल्लाह वसम ठीक थे लेकिन लोगों ने यह समझ लिया तो उस वक्त जब उन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए कि अब रसूल रसुल्ला वसम नहीं रहे तो हम हमारा लड़ने का क्या फ़ायदा उस वक्त क्या आयत आई कि अगर रसूल अल्लाह वसम फ़ौत हो जाएँ या शहीद कर दिए जाएँ तो क्या तुम अपनी एड़ियों के ऊपर फिर जाओगे अल्लाह का दीन छोड़ दोगे हिम्मत करना छोड़ दोगे काम करना छोड़ दोगे तबलीग करना छोड़ दोगे नहीं हमारी तो ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के साथ जुड़ी हुई है ना तो हमने ये सबक सीखना है कि ज़िंदगी में कोई भी गम और परेशानी आए तो आप आप पूरी कोशिश करें कि आप उससे बचें लेकिन अगर आप उस परेशानी में पड़ गए हैं तो फिर आपने क्या कहना है क़द्दरल्लामाशाह जो अल्लाह ने तकदीर मुकर्र की थी जो अल्लाह ने चाहा वो किया यानी अल्लाह की मर्ज़ी चली है मेरी मर्जी नहीं तो फिर आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी और आप ये नहीं कहेंगे कि लोगों के साथ ही मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत जुड़ी हुई है बल्कि आप अल्लाह सुबहान साथ हर चीज़ को जोड़ने वाले बन जाएंगे और आपका दिल तसल्ली में रहेगा ये जो बात हमने सीखी थी ना कि अगर अल्लाह तला के साथ हम अपने दिल को जोड़ देते हैं तो बाहर कितने भी तूफान आते हैं ना मुसीबतों परेशानियों के और इम्तहान आते हैं लेकिन दिल का जो बिल्कुल सकूत वाला समंदर वाला हाल होता है कि सुकून में होता है बाहर कितने तूफान अंदर का सुकून बाहर के तूफानों को ख़त्म कर देता है खामोश करा देता है लेकिन बाहर के तूफान अंदर के सुकून को छेड़ नहीं सकते कब जब आपने अल्लाह सुबहाना तौला के साथ अपने दिल को जोड़ा हो ठीक है ना मेरी प्यारी बहनों ये जो हम छोटी छोटी मुसीबतों परेशानियों के ऊपर वावेला मचाना शुरू कर देते हैं और तस्करा करते हैं और शिकायतें करते हैं उससे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है कि हम अपनी मुश्किल के आने के ऊपर ये सोचें कि ये मुश्किल आई किस वजह से कि हमारी नाफरमानी की वजह से आई है तो अपने अमल को दुरुस्त कर लें ईमान की कमज़ोरी की वजह से आई है तो अल्लाह ताला से दुआ मांगें और नेकी के कामों में तेज़ हो जाएं और अगर अल्लाह ताला की तकदीर की वजह से आई है तो शुक्र करें कि अल्लाह सुबहान तारा इसके बाद मुझे और मजबूती ईमान की देगा और ये सोचें कि इसमें अल्लाह ताला मुझे सबक क्या सिखा रहा है हु? तो इनशाला बतिनल्ला हर आने वाला इम्तहान आपको और मजबूत करेगा और स्ट्रांग करेगा और आप उसमें से एक बड़े ईमान का हिस्सा लेकर दोबहर तो आएंगे इन श्ला اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنة الخلد امين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك